नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें बज गए हैं दोपहर के 12, तो चलिए देखिए, ये मैं मूँग की दाल जो है, मूँग की दाल का सपहिता बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, आज बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। अगर आप एक बार इस तरह को देख लेंगे तो हमेशा ऐसा ही सपहिता बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मूंग की दाल है। अपने ये दाल जो है आप अपने परिवार के हिसाब से लें, हमने कम ली है। आपकी फैमिली जितनी बड़ी छोटी हो उस हिसाब से आप दाल का इस्तेमाल करें। तो इस दाल को अभी देखिए मैं धुल के रखती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुकर का पानी गर्म हो रहा है, इधर मैंने भगोना भी चढ़ा दिया है और इस भगोने में थोड़ा सा हम नमक और हींग डाल दिए हैं। अब देखिए, ये मूंग की दाल है मेरी। तो अगर आपके पास कोई भी मार्केट की दाल है तो उस दाल को आप कम से कम 2-3 पानी से रगड़ रगड़ के धुलें, जब तक कि बिल्कुल साफ पानी ना आने लगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें साफ पानी आने लगा था। तो ये मूंग की दाल थी, इसको मैंने समय से भिगोया नहीं था, जल्दी पक जाती है ये। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा ही डालेंगे और जरा सी हींग, और मैंने इसमें हींग और नमक डाल दिया है इस पानी में इसमें। और ये देखिए, ये मेरी दाल जो है इसमें बाकी मसाले में कुछ नहीं डालेंगे, ये सिर्फ नमक और हींग डाल के इस दाल को पकाएंगे। अब देखिए, ये इधर मेरा पानी जो खोल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो पानी खोल रहा है, ये देखिए इसमें हम ये अपनी पालक जो है, ये मेरे लान की ही पालक है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसको काटा नहीं है मैंने, ऐसे ही अब इसमें हम एक बॉयल ले लेंगे। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक है, जरा सी हींग है और ये ढक देते हैं। अब इसमें ज़्यादा देर उबालेंगे नहीं, सिर्फ पानी गर्म होगा इतना ही हम इसको रखेंगे, नहीं इसका हरापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, इस पालक को हम निकाल लेंगे, इसको हम ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे। और गर्म पानी में ज़्यादा देर इसको डालेंगे भी नहीं, नहीं जैसे काला पन आ जाता है। पालक मैंने निकाली, मैं देखिए दाल भी हमारी बन चुकी है। तो अब इस अब दोस्तों पालक ठंडी हो गई है, तो अब हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। ठंडे पर ही पीसे दोस्तों, नहीं तो खतरा हो जाता है कभी कभी। एक दिन हमने मलाई निकाली थी, पूरे में फूल गया तो चेहरे पे आ गया, उसको मलाई थी, कोई गर्म चीज़ होती है तो जल जाता मुँह। तो चलिए इसको हम पीस के ले आते हैं, तब आपको दिखा। देखिए इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है, इससे हम डालते हैं सरसों का तेल। तेल मेरा गर्म हो रहा, देखिए इसलिए ये पारंपरिक मसाले, ये हमारे रोज इस्तेमाल करने वाले धनिया, हल्दी और ये किचन किंग मसाला। लाल मिर्च हम डालेंगे नहीं, क्योंकि हम हरा मिर्च डालेंगे, ज़्यादा तीखा हम लोग खाते नहीं। तो इस मसाले को मैं पानी डाल के घोल देती हूँ, जब तक इधर मेरा तेल उल गर्म होता है, इन मसालों को स्वाद इस पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। ऐसे डालने में कभी कभी हमसे गलती हो जाती है तो मसाले जल जाते हैं हमारे। तो ये देखिए, ये जब तक हमारा तेल ही गर्म हो रहा है, इसको हमने घोल दिया है ऐसे धीरे धीरे करके, घोल के इसको हम साइड में रख देते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, कुछ गैस को स्लो कर दिए हैं, कुछ हमारे खड़े मसाले। खड़े मसाले में हमारे आ गया तेज़पत्ता, आ गई काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। देखिए ये दालचीनी और जावित्री, ये देखिए ये मेरी जावित्री है ये, और ये देखिए दोस्तों जीरा आ गया,
अभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। स्लो गैस पर ही भूनेंगे, नहीं हमारे मसाले जल जाएंगे, खड़े मसाले। आप थोड़ा सा गैस तेज करते हैं। अब मैं इसमें डाल देते हैं लहसुन, पालक का साग हो चाहे बथुआ का साग हो, इसमें सब में लहसुन बड़ा अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा जरा सा लहसुन ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। और लहसुन प्याज दोनों हमें जलाना नहीं, बिल्कुल लाइट हल्का सा भूनना है। ये हमारे गाँव में आज भी ऐसे ही बनता है ये पालक का साग। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज और प्याज को कर देते हैं, प्याज को मिक्स कर देते हैं। अब देखिए प्याज मेरा आधा भून गया है करीब करीब, ही देखिए हल्का सा गुलाबी कलर आ गया है। तो इसी समय इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। आपको याद होगा हींग मैंने दाल में भी डाली है, लेकिन साग में हींग का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी हींग बहुत अच्छी हो, ऐसे मेरे भी ये जो है बंधानी हींग है बहुत अच्छी है, लेकिन साग में हींग का स्वाद आता है तो बहुत टेस्टी लगता है वो। जाड़े में हींग जो है डाइजेस्ट सिस्टम के लिए और सर्दी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। देखिए प्याज हम ज़्यादा नहीं जलाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं अपने ये जो बने हुए हमारे गर्म मसाले और ये ठंडे मसाले, इनको ठंडा मसाला बोला जाता है, पारंपरिक मसाला बोला जाता है। ये डेली यूज के हमारे हल्दी धनिया मिर्चा वाले मसाले। देखिए इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छा हमारा साग है इससे आज हम कश्मीरी मिर्च भी नहीं डालेंगे। अब मेरे पास आज टमाटर नहीं है, तो अगर आपके पास टमाटर हो तो इसी स्टेज पर आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अब कश्मीरी मिर्च हम इसलिए नहीं डालेंगे कि कश्मीरी मिर्च डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो साग हरा दिखाना है और साग जितना ही हरा होगा उतना ही अच्छा लगेगा, उसको लाल काला पीला नहीं करने की ज़रूरत है। अब आजकल हम लोग कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं, पहले नहीं होता था। आपको मैं बताऊँ, शादी ब्याह में भले हो जाता था, वो लोग कहते थे जब हलवाई आते थे, बहुत पहले की बात है ये, तो वो लोग कहते थे कश्मीरी मिर्च डाल दो तो तेल ऊपर आ जाता है, सिर्फ इतना बताते थे कि तेल ऊपर आ जाता है या थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। फिर भी घर में जो सब्जियाँ बनती थी उसमें कश्मीरी मिर्च का प्रयोग नहीं होता था, गाँव वाले तो बिल्कुल नहीं जानते थे, और शायद अभी भी हमें लगता है गाँवों में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। कोई फंक्शन हो तो बात अलग है। अब ये देखिए मसाला मेरा तेल रेडी होने लगे, तब तक हम इसको भूनेंगे। अगर आप तेल कम डालते हैं मेरी तरह से तो इसको दो बार पानी डाल के मसाले को पकाइए, क्योंकि हल्दी साग में कच्ची नहीं अच्छी लगती। ये देखिए, और तेल कम है तो मुझे पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि मसाला तो मुझे पकाना ही है। ये देखिए थोड़ा सा, अब हम इसी स्टेज पे इस पर डाल देते हैं। देखिए ये करी पत्ता है, इसमें हमारे करी पत्ता में नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा मजबूत मजबूत पत्तियां ही, देखिए ये नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, हमको लगता है ठंड में आती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सा पेड़ है, पानी तो कहीं ना कहीं सोले ही लेता है जड़ों में, और ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं है। तो ये देखिए अब इधर तब तक हम देख लेते हैं अपनी दाल। ये देखिए हमारी दाल भी बहुत अच्छी बन गई है, हींग की बहुत अच्छी सी महक आ रही है, इसमें सिर्फ मैंने हींग डाला था। अब देखिए इसमें जो हमें डालना है, आप कहेंगे कि पालक तो डाला ही नहीं, पालक का सब पैसा बताया था। तो ये देखिए ये जो पालक मैंने उबाली थी, ये देखिए कितनी ग्रीन है, ये देखिए इसमें मैंने सिर्फ दो बूंद नींबू डाला है, ज़रा सा अदरक डाला है और ज़रा सा हरा मिर्च डाला है। तो अब देखिए इसको हम इस साग में इसको इसमें डाल देते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं नहीं, तो वो कहते हैं सपैता नहीं पसंद है, सपैता क्या है, अब इसे पता ही नहीं चलेगा सपैता भी है तो पालक भी चली जाएगी पेट में। देखिए तो अब हम इसे मिक्सी के जार को धुलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जो हमारा बचा हुआ रखा है। ये देखिए और इसको इसे डाल,
और धीरे धीरे से देखिए पका लीजिए। अब इसको हम एक उबाल तक इसको पकाएंगे। देखिए इसमें कश्मीरी मिर्च या लाल मिर्च अगर आपका मन हो तो डालिए, वरना कोई जरूरी नहीं कि हम लाल मिर्च डालें, क्योंकि सपेता हो या पालक पनीर हो या कुछ भी हो, या हरी हरी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और उबलने ज़्यादा ना दीजिए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन ग्रीन रखी जाएगी। अभी देखिए ये पालक मेरी पकी तो थी, कच्ची तो है नहीं, तो अब इसमें हम डालेंगे देखिए एक चम्मच बेसन। अब ये होगा दाल की बाइंडिंग के लिए। ये इसको हमारे उधर अरेहन लगाना बोलते हैं, तो ये अगर पालक सीधे सीधे दाल में डाली जाती है तो उसमें अरेहन लगाया जाता है। गर्म पानी में हम लोग थोड़ा सा बेसन या बाजरे काटा या ज्वार काटा कुछ भी घोल लें बस। अब देखिए बढ़िया महक आ रही है ये। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा गर्म मसाला स्वाद के लिए। गरम मसाला किसी भी चीज़ डालें, वैसे हमने खड़े मसाले डाले हैं लेकिन फिर भी थोड़ा गरम मसाला डाल दिया, खड़े गरम मसाले तो मेरे पड़े हुए हैं। अब इसमें मेन चीज़ हमने नहीं डाली है, भूल गए थे, नहीं तो मुझे प्याज के साथ डाल देना चाहिए, यानी सौंफ। सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती और पेट में ठंडक भी पहुँचाती है, एसिडिटी हो कुछ भी हो ये बहुत फायदे की। तो मैं तो हमेशा हर सब्जी में जरूर डालती हूँ, चाहे हींग भूल जाऊँ लेकिन सौंफ नहीं भूलती। अब देखिए हो गए हैं, अब देखिए इसको बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। आप लोग तो बहुत दूर हो, ऐसे बनाओगे तो सब बगल वाले पूछेंगे आज आपने क्या बनाया है। तो अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं अपनी मूंग की दाल सिंपल सी। ये देखिए अब ये गाढ़ा पतला आप जिस तरह से चाहें, आप अपने स्वाद से, आप गाढ़ा चाहें गाढ़ा रखें, पतला चाहें पतला रखें। अब हम लोग तो थोड़ा पतला ही रखेंगे क्योंकि चावल या दलिया से खाना होता है। देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा, ऐसा आपने कभी बनाया नहीं होगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए दोस्तों। तब देखिए दोस्तों ये मेरा चमचा इधर चढ़ा हुआ है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे दो हरा मिर्च और एक चम्मच जीरा। गैस को बंद कर दिया और ये देखिए ये मेरा तड़का जो है ये इसके ऊपर से अब हमारी दाल रेडी है। आपको ये दाल कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत न्यू स्टाइल का, अब इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए आप एक बार जरूर बनाइए, ये देखिए तो आप हमेशा यही बनाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि हो सकता है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत।